Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to another video. Today we talk about Daraz. नहीं ये वाला दराज नहीं, दराज रोड पीके, इस वाले दराज रोड पीके की बात करेंगे। तो दराज रोड पीके इट इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन पाकिस्तान, जहाँ से आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट है जहाँ से आप क्या नाम है चीज़ें परचेज करते हैं, हर किस्म की चीज़ें। ठीक है गाइज, हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि क्या हमको दराज से गेमिंग पीसी या फिर गेमिंग पार्ट्स बाय करने चाहिए। मेरा जो दराज के साथ पर्सनल जो मेरा दराज के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा ख़राब रहा है, के साथ मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे। वो ये कि मैंने ना जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बिल्ड करनी थी पीसी की, तो जब मैं अपने पैसे कलेक्ट कर रहा था इसके लिए पीसी के लिए, तो मेरे पास तकरीबन 8,000-9,000 मेरे पास कलेक्ट हुआ था। तो उसमें से मैंने सोचा चलो एक मदरबोर्ड ले लेता हूँ पहले, ऐसा ऐसा जैसे पैसे आते जाएंगे एक एक चीज़ लेता रहता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने एक मदरबोर्ड खरीदा था, वो था एसूस का Z97K। ठीक है, ये एक ओवरक्लॉक मदरबोर्ड है, 4 जनरेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, और ATX मदरबोर्ड है, काफी अच्छा मदरबोर्ड है। ठीक है, तो मसला ये था कि जब मैंने इसको परचेज किया वहां से, मैंने उनसे काफी इन्फॉर्मेशन ली कि भाई ये मुझे बताएं ट्रस्टेड है, बिल्कुल ओके है, सही चलेगा। तो उन्होंने तो कहा भाई बिल्कुल सही है, ये आप परेशान ना हैं, बिल्कुल 100% गारंटी जो है ना ये ओके है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वो तकरीबन उसकी प्राइस 8,100 समथिंग इतनी थी तकरीबन, तो इसके साथ में कुछ और भी थे, वो थे 16,000 के। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा यूज में था, मैंने वहां से इसको परचेज किया। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद जब आया है मेरे पास, तो मैंने इसको अनबॉक्स किया। मेरे पास इसकी वीडियो भी मैंने प्रूफ के तौर पे बनाई थी कि देखते हैं भाई क्या बनता है, और तो नहीं कुछ निकल आएगा मदरबोर्ड के बजाय। आपको पता है ऑनलाइन में काफी मसला होता है कि कोई चीज समटाइम्स नहीं आती, तो उसकी वीडियो भी बनाई थी, पर वो मुझसे वीडियो डिलीट हो गई है, वरना मैंने आपको लाजमी दिखाना था। वो हमने उसकी वीडियो बना रहे थे, तो उसकी जो सॉकेट होती है ना जहाँ पे प्रोसेसर लगता है, हमारा CPU लगता है, उस सॉकेट में से ना कुछ जो उसकी पिन होती है ना, सॉकेट पिन 12 से 13 पिन जो है ना वो टूटी हुई थी, बेंड हुई हुई थी, खराब हुई हुई थी। देखिए जैसे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, इस तरह की कुछ थी, खराब हुई हुई थी। क्या नाम है, मदरबोर्ड ओवरऑल तो कंडीशन उसकी अच्छी थी, और जो उसके सॉकेट की पिन थी वो खराब थी। तो मैंने नेट पे सर्च किया कि इसके कोई मसला तो नहीं होता, तो अगर एक पिन भी या 2-3 पिन मिस हो तो मसला होता है, प्रोसेसर जो है पूरा परफॉर्म नहीं करता, या फिर समटाइम प्रोसेसर जल भी सकता है। ठीक है, ये था। मैंने फिर उन्हें क्या नाम है दराज की एक अच्छी बात यह है कि वो चीज़ें वापस ले लेते हैं। ठीक है, पर वो उन्होंने मुझे काफ़ी क्या नाम है जलील ख्वार किया, यानी कि बहुत मुश्किल से उनको मैंने चीज़ जो है रिटर्न की थी वापस। ठीक है, बहुत ही चक्कर लगाए उन्होंने मेरे, तो इसलिए मैंने सोचा यार इस पे वीडियो बनानी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे यार कि दराज से ना मुझे ये PC मिल रहा है, मैं ले लूँ क्या? गाइस, दराज से जो है ना चीज़ लेना रिस्की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप गेमिंग PC ले लें या ग्राफिक कार्ड ले लें, जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे गेमिंग से रिलेटेड, तो उसमें जो है ना आपको थोड़ा रिस्की काम है। मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने मदरबोर्ड वहाँ से परचेज किया था, ये देखें मैंने दराज की वेबसाइट उनकी हुई है, ये Z97 की है। ठीक है, और ये 15,945 का है, और आई थिंक ये न्यू में है, जो मैंने लिया था वो 8,100 का था। इसके बाद ये सॉकेट का मसला था, वरना मदरबोर्ड बिल्कुल ओके था। ओके गाइस, इसके बाद मैं आपको PC के बारे में बताता हूँ। ये देखें दराज वालों ने PC बनाया हुआ है, गेमिंग PC इनका, ये GTA 5 है, गेमिंग ऑप्टिलेक्स 760 है, 8GB रैम है, 256GB SSD है, 1GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 9,620 का है। ठीक है, मसला ये है कि जो है ना ये PC कोटड्यू है, कोटड्यू पे मसला होता है। अगर ये देखे ना कोटड्यू लिखा हुआ है, 8GB रैम है इसकी, व्हाटएवर जो भी है इसका। तो ये PC जो है ना, आपको जो आप चाहते हो ना कि हम गेमिंग करें, अच्छी गेमिंग करें, PUBG चलाए PC, तो इस पे लैग करेगी गेम। चलो एक दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख साथ वाली है एक, ये भी सेम मॉडल है, देखे 10,960 का है। ठीक है, बस इसमें क्या चीजें इंक्रीज की गई हुई है, बस ये कि हार्ड ड्राइव है इसमें 500GB की। ठीक है गाइस, ये देखें 500GB हार्ड ड्राइव है, और इसके बाद भी कोटड्यू है, 8GB रैम है, बस हार्ड ड्राइव जो है वो थोड़ी इंक्रीज की हुई है 500GB, और वही 1GB डेडिकेट कार्ड लगा हुआ है इसमें AMD का 700 सीरीज का। तो गाइस इतना ये खास नहीं है, 10,000 में क्या नाम है, ये देखें ना, ये देखें GTA 5 फ्री है भाई, आपको धोखा देने के लिए इन्होंने ना बस ये उन लोगों पे जो है ना ये स्कीम काम करती है जो कि ना बिल्कुल न्यू कमर है, जिनको गेमिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, गेमिंग PC पार्ट्स के बारे में, दूसरे जो है ना कि कौन सा PC बेस्ट रहेगा। तो देखिए ना 10,000 है, 11,000 का आपको पड़ जाएगा, जब आप अल्लाह ना करे आप बाय कर लेते हो उसको, तो आपको 11K तक का पड़ जाएगा। 11K में क्वाड कोर PC बन जाएगा इसमें, यानी कि इससे भी अच्छा PC बन जाएगा। ठीक है, और वो आजकल क्वाड कोर जो है वो आपको 6,000-7,000 का मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्या नाम है क्वाड कोर PC है। ठीक है, मैंने अपनी 10,000 वाली बिल्ड में
भी उसको यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको जाके भी, अगर आपको वहां से आइडिया लेना है तो देखिए ना 7000 का वो है और वन बाद में आपको 3000 पीछे बच जाता है, उसमें 1GB का DDR5 कार्ड लगाना है आपने, ठीक है। ये जो दराज वाले दे रहे हैं ना ये 10000 का, इसमें 1GB DDR3 है और कोटेड है, जो कि जो है ना बहुत ही गेम जो है ना आपकी लो सेटिंग पे चलेंगी, वो भी अड़ के, यानी कि लैग होकर गेम हमारी चलेंगी, ठीक है गाइज। तो पीसी जो है ना आपने कभी इधर से बाय नहीं करना, कभी भी पीसी दराज से आपने बाय नहीं करना, ठीक है। उसी तरह आप देखें, अब हम थोड़े से इनके ग्राफिक कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखें GTX 1050 Ti 4GB अनब्रांडेड चाइनीज ग्राफिक कार्ड है, अनब्रांडेड, ये देखें कोई ब्रांड इसके ऊपर लगा शो ही नहीं हो रहा, ASUS का भी नहीं है, ना MSI का कोई भी नहीं है, ठीक है, ना वो AMD, ये कोई चाइनीज ग्राफिक कार्ड है। देखो यहाँ पे आप इसका टेक GPU जो भी है वो उसको ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे शो करेगा 1050 Ti, पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही जो है ना GT 450 या GT 10 जैसी, इसकी 1030 यानी कि जो लो कार्ड है ना उस जैसी इसकी परफॉर्मेंस है, ओरिजिनल कार्ड नहीं है ये 1050 Ti, वो 7629 रुपए का है। इसके बाद देखो एक और मैं आपको 1050 Ti दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी देखें, ये है देखें, इस पे भी कोई ब्रांड शो नहीं हो रहा, ये भी अनब्रांडेड चाइनीज ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कुछ TE1G 128 bit DDR5 1050 Ti जो है ये है। और देख लो आप, ये सही धोखा देने के लिए ना, जो नए कमर जो है ना हमारे गेमिंग में, जो नए कमर रहते हैं उनको धोखा देने के लिए सही है, इन्होंने जाल बिछाया हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा था यार ये वीडियो आपके लिए लाजमी बनाई जाए ताकि आप इनके जाल में ना आए। ये भी कोई GT 1030 या GT 750 इस तरह का कार्ड निकलेगा जो कि बहुत घटिया कार्ड होगा, 10000 में कौन देता है 1050 Ti, वो भी 4GB में। बहुत ही अच्छा कार्ड है 1050 Ti GTX जो है, हाई सेटिंग की गेमिंग आपको आराम से करवा देता है। चलो मैं आपकी इसकी ना ओरिजिनल प्राइस दिखाता हूँ, ये देखें ओरिजिनल प्राइस कोई दे रहा है 23000 का, 21000, 34000, 23000, देखें ना कितनी प्राइस देते हैं, 28000 ये भी दे रहा है बंदा, और एक ने तो देखो हद ही कर दी है, 50000 का दे रहा है GTX। ये साल में क्या PC भी देगा क्या हमें, नहीं सिर्फ कार्ड है। तो ये देखें गाइस, वैसे मैं आपको बता रहा था, ये देखें ना यहाँ पे सारे जो है ना प्राइजेस शो हो रही है 1050 Ti की, और वो कितने का दे रहा है 7500 का 1050 Ti, ठीक है, वो एक 10000 का है। तो ये जो है ना कार्ड फेक है, और इनके गेमिंग PC लगाए हुए हैं कोटेड वाले, जो इन्होंने कोटेड PC लगाए हुए हैं वो भी बहुत ही घटिया है, इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। मेरी तो आपको रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है ना अगर गेमिंग PC बाय करना ही है ना आपने, तो या उसके कंपोनेंट्स बाय करने हैं, तो आप एक सीजन वेबसाइट है वहां पर, और एक होम शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है, वो वहां से आप चीजें परचेज करें, ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। और कोशिश करें अगर आप वहां से नहीं बाय कर सकते हैं तो आप अपने जिस एरिया में रह रहे हैं, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, व्हाटएवर जो भी आपकी सिटी है, वहां पर आप किसी अपने दोस्त से पूछें यार यहाँ पे कोई गेमिंग शॉप होगी, लाजमी उनको पता होता है, ठीक है, किसी ट्रस्टेड जो है ना आपके एरिया में जो होगी गेमिंग शॉप, वहां पर आपने जाना है और वहां से आपने ये चीजें परचेज करनी है, ठीक है, बेस्ट रहेगा, ठीक है, ताकि अगले दिन कोई मसला हो आप उनके पास जाके ये बताओगे भाई इसमें ये इशू आया है, ओके। एक और जो है वेबसाइट मैं बताता हूँ, OLX जो है वो भी बहुत बेस्ट है, वहां से भी आप अपनी लोकेशन डालें जिस सिटी के हैं गेमिंग PC मिल जाएगा, वहां भी तकरीबन ट्रस्टेड बंदे ही होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, ठीक है, कोई वहां पे वो डीलर शीलर तो बैठे नहीं होते, नॉर्मल पर्सन होते हैं हमारे तरह, ठीक है गाइज। ये ओवरऑल थी कि आपको जरा ऐसे चीजें लेनी चाहिए कि नहीं, गेमिंग PC, ये गेमिंग PC हो गया, गेमिंग पार्ट्स हो गए, वो मेरा जो लास्ट पे यही आपको आंसर है कि नहीं, नो, कभी नहीं आपने वहां से परचेज करनी चीजें, ठीक है, परचेज करनी है तो सीजन हो गया, होम शॉपिंग हो गया, OLX हो गया। तो ठीक है गाइज, ये तीन वेबसाइट मैंने आपको बताई है, आपने यहाँ से कोशिश करनी है परचेज करने की, यहाँ सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आप अपने एरिया में जाए, थोड़ा सर्च करें, वहाँ पे शॉप ढूंढे, वहाँ से चीजें बाय करें, ठीक है, गेमिंग पार्ट्स एक्सेसरीज वहाँ से बाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आंसर लाजमी देता हूँ, आपको पता ही है, आप मेरे फेसबुक पे मुझे मुझसे बात कर सकते हैं, फेसबुक पे मेरे थोड़ा सपोर्ट भी कर दें, और इसी तरह डिस्कॉर्ड पे भी मुझे ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप मुझे बात कर सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके साथ ये इस तरह का वाकया ना हो जाए, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, इतनी देर के लिए खुदा हाफिज़।